सबसे पहले अपने भगवान जगन्नाथ जी के चरणों में प्रणाम नमन, माँ दुर्गा, माँ ज्वालामुखी और ढोल देवता और तमाम ज्ञानेश्वर भगवान और सभी यहाँ के स्थानीय देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करते हुए व्यास गति पर विराजमान हम सब के और हमारा सौभाग्य और खासकर हम बरना घाटी के लोग और खासकर सारण ग्राम सभा के लोग और पूज्य शास्त्री श्री सिपोट साहब नौटियाल जी के यहाँ जिनकी है श्रीमान जी नौटियाल श्रीमान जी के यहाँ उनकी बहन इस गांव की बहू बनकर भी आई है और इस बहन के गांव में पूज्य व्यास जी के अमृत वाणी से जो ज्ञान की गंगा आपने यहाँ बहाई और जो ऐसे राष्ट्रीय संत के पुत्र हैं जिन्होंने संकल्प लिया है कि माँ गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए पूरे भारतवर्ष में एक संघर्ष की गंगा बहाई है, एक भारत की गंगा बहाने वाले श्री गोपालमणि पूज्य गोपालमणि जी के पुत्र और आध्यात्मिक क्षेत्र में हम सबका सौभाग्य कि आज हमारे जनपद में ऐसे युवा कथावाचक आगे बढ़ रहे हैं जिनकी अमृत वाणी से आपने भी कथा का हमने स्वर्ण किया और ऐसे पूज्य व्यास पूज्य श्री सीता शरण जी महाराज को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ, भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान आपकी ये जो अमृत वाणी है आपने जो ये तप करके जो भगवत कृपा आप पर हुई है कि जो आपने अपने आध्यात्मिक क्षेत्र का जो ज्ञान दिया इससे अपने पूरे हमारे उत्तराखंड में ही नहीं पूरे देश विदेश में इस आध्यात्मिक की गंगा के ज्ञान को बहाएंगे। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर सभी इस भागवत